लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी नजदीक आती जा रही है, नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए सुबह से लेकर रात तक कड़ी मेहनत करते नजर आने लगे हैं। इन दिनों शिवपुरी से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया शिवपुरी शहर में जनता के बीच जाकर जगह जगह नुक्कड़ सभा करती है और पति ज्योतिरादित्य की उपलब्धियां जनता को याद दिलाती है। इसी दौरान सभाओं को भी संबोधित करती है। उनका कहना है, महाराजा साहब सिंधिया आपके परिवार के मुखिया है, फिर भी वो लगातार शिवपुरी शहर से हार जाते हैं। पिछले 17 सालों से लगातार वह आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। जो जल आवर्धन योजना 4 साल में पूरी होनी थी, वह पूर्व की शिवराज सरकार की वजह से 11 साल तक पूरी नहीं हो सकी। इसमें शिवराज सरकार ने और उनके नेताओं ने काम नहीं होने दिया। प्रियदर्शनी का कहना है कि जो बीजेपी के नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन धर्म तो अपने अंदर है, हम सब के अंदर है, अपने बच्चों के अंदर है। इसलिए 12 तारीख को जब आप मतदान करने जाओ तो जातियों धर्म को नहीं देखना, विकास को देखना है। जब आप वोट करने को जाते हैं तब किस कारण के लिए आप जाते हैं? विकास के लिए, है ना? तो जब लोग आके आपको बोलते हैं कि आप धर्म के ऊपर वोट डालिए और ये सब करिए, देखिए जो हमारा धर्म है वो हमारा है, हमारे दिल में रहना चाहिए। अगर हमारा दिल साफ है तो वो धर्म हमारे पास ही रहता है। हमारा धर्म हमारे घर में रहता है, हमारे बच्चों के साथ रहता है। मगर जब हम वोट करने को निकलते हैं, हम सिर्फ एक कारण के लिए निकलते हैं और वो है विकास। और जितना विकास इन्होंने आपके लिए किया है, और अब बहुत विकास बाकी है। अभी हमारी सरकार आई है, 3-4 महीने ही हुए हैं, तो अभी मुझे लगता है कि काम का भी सफर अभी और भी आसान हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि कोई भी शहर बिना सिटीजन से बढ़ नहीं सकता। जब आपका योगदान होएगा सिटी में, तभी सिटी बढ़ेगी। जब आपका योगदान होगा आपके एमपी के साथ, आपके कॉन्वर्सेशंस होंगे आपके एमपी के साथ, तभी सिटी बढ़ेगी। तो प्लीज 12 मई को आप सब निकल जाइए और सोचिए जब आप वोट करते हैं कि आपको विकास चाहिए या ये धर्म और ये झूठे नारे जो ये लोग लगाते हैं, और फिर उसके बाद क्या काम होता है। मुझे बताइए, आपके जो जीते एमपी थे वो कभी वापस आए? जीते तो यहीं से थे ना, एक रोड तो बना देते आपके लिए, मगर आज तक वो नहीं हुआ। और मुझे ये भी मालूम है कि शिवपुरी के लोग वोट करेंगे बीजेपी को मगर काम कराएंगे इनसे, तो ये क्यों होता है? ये डिस्कनेक्ट किस कारण के लिए? जब कोई आपके लिए इतना काम करता है, अपना खून पसीना बहाता है, आपको अपने परिवार जैसे समझता है, तो फिर आपके पास क्यों ये मन नहीं लगता उनके साथ? देखिए, ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप महाराज के साथ हो, क्योंकि तभी उनको खुशी होगी, वो और भी काम करना चाहेंगे और आपका काम और भी बढ़ेगा। तो 12 मई को आप प्लीज निकल जाइए और महाराज के हाथ में आपका हाथ रख के उनको विजय करिए शिवपुरी सिटी में, ताकि ये बातें जो चलती है निकाल दीजिए अपने मन और दिल से और विकास के लिए आगे।